अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक है। आज आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन स्टीम मोमोज की रेसिपी। इसको डम्पलिंग भी कहते हैं, डिमसम भी कहते हैं। स्टेप बाय स्टेप बहुत इजी रेसिपी है। बहुत रिक्वेस्ट थी कि सिखा दें, तो चलें आज यही आपको सिखाने लगे हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने चिकन ले लिया था और मैंने इसको क्यूब में कट किया हुआ है, और ये हाफ के जी चिकन है। इसके अंदर जाएगा सॉल्ट, और ये है ब्लैक पेपर पाउडर, और ये है सोया सॉस। क्वान्टिटी लिखी हुई आ रही है, आप यहाँ से नोट डाउन ईजीली कर सकते हैं। तमाम इंग्रेडिएंट्स को जो है मैं चॉपर में डालूंगी और अच्छे से जो है ब्लेंड कर लूंगी। जब आप इसको ग्राइंड करने लगेंगे या चॉप करने लगेंगे, क्योंकि इसका बारीक कीमा बनाना है, तमाम इंग्रेडिएंट एक साथ डाल के इसको आप बारीक पीस लेंगे। आपको इसके अंदर कोई पानी कोई तेल नहीं डालना है, क्योंकि जो हमने सोया सॉस डाला है ना, इससे ये आराम से बारीक पीस जाएगा। तो आपको उसके अंदर ब्रेड क्रम्स या ब्रेड भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना बारीक कीमा पीस लेना है। अच्छा, अब इसमें डालूंगी क्या मैं, यह है गार्लिक। अच्छा भैया, मुझसे बहुत से लोग पूछ रहे थे कि ये जो आपका हैंडी पैड चॉपर था, क्या इसके अंदर कीमा हम जो अच्छे से बना सकते हैं? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं बना सकते। एक हाथ आप छोटा सा क्यूब लेकर आप इसके अंदर एक्सपेरिमेंट करके देख लें, बहुत हार्ड हो जाता है, ईजीली जो है आप चॉप नहीं कर सकते, इसलिए इसको वेजिटेबल के लिए ही रहने दें। अच्छा, अब मैंने इसके अंदर जो है गार्लिक चॉप करके डाल दिया है, और डाल दी है मैंने इसके अंदर ये हरी प्याज, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं पहले भी अपने चैनल पर जो है हैंडी पैड का डेमो पूरा ट्यूटोरियल दे चुकी हूँ, तो वहाँ जाकर आप एक दफ़ा और देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ मैंने इसको चिकन को मैरिनेट करके कीमे को रख दिया था। यहाँ मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है हसबे ज़रूरत नमक, और साथ ही डाल दिया है मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल। और अब मैं इसको अच्छा सा जो है ना नीम गर्म पानी से गूंदूंगी, थोड़ा सा हार्ड गूंदेंगे, ज़्यादा नरम डो नहीं बनानी है। अगर नरम डो आपने रोटी जैसी बना ली, तो आप जब इसको कट करेंगे और कट करने के बाद जब आप इसको डिमसम का या मोमो का शेप देंगे, तो आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी काम है। 1-2 दफ़ा बनाएंगे, आपको इजीली समझ आ जाएगा। और कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको जो मैं शेप बताऊं आप वही बनाएं, आप अपने तरीके से कोई भी बना सकते हैं। इसको थोड़ी देर मैंने रेस्ट करने रख दिया है। यहाँ मैं इसकी जो है सॉस बना रही हूँ। यहाँ मैंने 2 छोटे से लहसुन की कलियाँ ली थी, उनको मैंने जो है बारीक जो है पीस लिया था इसी स्पून से, और इसके अंदर मैंने 1/2 टीस्पून डाली है शुगर। इसके अंदर हनी भी जाता है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो शुगर से ही काम चलाएंगे। इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, और मैं आगे चल के इसके अंदर ये हनी यूज़ करूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो चीनी, ठीक है। थोड़ा सा जा रहा है इसके अंदर ऑलिव ऑयल, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी ये है सिरका, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। आप चाहें तो क्वांटिटी डबल कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा बनानी है सॉस। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये है रेड चिली पाउडर, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा मोमोस डम्पलिंग बोलो या डिमसम बोलो बहुत ही जो है स्टीम किया हुआ होता है ना, और वो बहुत ही कम मिर्च का होता है, तो इसके लिए ऐसी चटनी बनानी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाल दिया है ग्रीन चिलीज़, और डाल दिया है 1 टेबल स्पून के करीब सोया सॉस, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी ये तेल, आप देख लेंगे इतनी ही पतली होती है, और ये बहुत ही इंस्टेंट और ज़बरदस्त सॉस है। आप ये वाली ज़रूर बना के देखिएगा। टोमेटो सॉस के साथ जो बनती है वो भी एक अलग रेसिपी है, वो कभी और सिखाऊंगी जब मैं आपको वेजीज मोमो सिखाऊंगी ना, जब मैं आपको उसके साथ वो वाली सिखाऊंगी सॉस। लेकिन जो ये वाली सॉस या चटनी है बहुत कमाल की लगती है। मैंने टेस्ट किया था, मुझे थोड़ी सी हनी की कमी लग रही थी, तो मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर डाल दिया है। आप चाहें तो इसके अंदर जो मैंने आपको ग्रेप मोलेसेस सिखाया था वो भी ऐड कर सकते हैं, उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। यहाँ आटा अच्छे से रेडी हो गया था, आप देख लें, ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा हार्ड है। आराम से मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आप चाहें तो जैसे छोटी छोटी पूरियाँ बनाते हैं और उसके अंदर भर के भी बना सकते हैं। मैं जो है इंस्टेंट काम ये करूँगी कि मैं पहले बड़ी सी एक रोटी बेल लूँगी। रोटी बेलने के बाद आप देख लें मैंने इसको कितना पतला बेला है। अब कोई भी आपके पास कुकी कटर हो, या जिससे हम मीठी पूरी बनाते हैं वो वाला कटर हो, आप इसके छोटे छोटे से जो है शेप कट कर लेंगे राउंड में। अगर आपके पास ये ना हो, तो हमारे जो न्यूटेला के जार्स होते हैं या कोई भी जार का जो लिड है वो आप ले लें, जो कि साइज़ में थोड़ा सा बड़ा हो। अब आप देख लें इसको अच्छे से बनाने के बाद मैं क्या करती हूँ, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगा दूँगी, कोई अंडा या कोई, आपको इसके ऊपर मैदे की लई नहीं लगानी है, हल्का सा सिर्फ पानी लगाना है, और छोटी सी स्मॉल क्वांटिटी आप इसके ऊपर रखेंगे। साइड से इनको दोनों को डी शेप में जो है अच्छे से दबा देंगे, किनारे आपको अच्छे से दबा देने हैं इसके,
और दोनों कॉर्नर इसके अच्छे से फोल्ड कर देंगे, प्रेस कर देंगे, अच्छे से दबा देंगे, ये वोंगटोंग का शेप भी बन जाएगा और डिमसम का या मोमोज का बेहतरीन शेप है। ये बहुत आसान है, ये आपको देखने में थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है लेकिन बहुत ईजी है, एक दो दफ़ा बनाएंगे तो बहुत अच्छे बन जाएंगे। अच्छा, अगर आपको ये भी बहुत मुश्किल लग रहा है तो आप वैसे ही छोटे सी कटर से इसको काटेंगे और थोड़ी सी स्मॉल क्वांटिटी रखेंगे, हल्का सा इस पर थोड़ा सा पानी लगाएंगे, इसको अच्छे से प्रेस करेंगे और जो है फोर्क से इसको डिज़ाइन दे देंगे। ये बहुत इजी है, आपको दिखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन बहुत आसानी से बन जाता है। मैंने ऑफ़ कैमरा बहुत सारे बना लिए थे, ये आपको बहुत बड़े लग रहे हैं लेकिन साइज़ में ये बहुत छोटे हैं क्योंकि मैंने बहुत करीब से आपको दिखाया है। इसको स्टीम करना है तो एक पैन लेंगे, उसके अंदर पानी डाल रखेंगे और ये मैंने जो है स्टीमर का रैक लिया हुआ है, बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है। अच्छा, इसको अच्छे से ऑयलिंग करना ज़रूरी है, अगर आपने इसको ऑयलिंग नहीं करी इसकी तो इसके ऊपर जितना भी वो है ना मोमोज हमारे चिपक जाएंगे। मैंने बहुत सारे जो है शेप्स ट्राई कर लिए थे ऑफ कैमरा, ये देख लें आधे घंटे के अंदर बेहतरीन से हमारे मोमोज रेडी हो चुके हैं। अच्छा, ये बैच हमारा ज़बरदस्त था, खूबसूरत सा रेडी हो चुका है। अब जब सेकंड बैच बनाएंगे ना उस पर भी ऑयलिंग करनी है, ये आप टिप याद रखें, अगर आपने ऑयलिंग नहीं की, ग्रीस नहीं किया तो आपके मोमोज इस पर चिपक जाएंगे, जो कि हम चाहते हैं कि ना चिपकें। और मैंने जो सेकंड बैच अपना बनाया था कि छोटे छोटे से जो थे डी शेप के समोसे जैसे, मैंने इसको भी वैसे ही रखा था। अब अगर आपके पास स्टीमर का भी रैक नहीं है तो फिर जो घर में रैक होता है उसको फॉइल से कवर करें और जो है उस पर टूथपिक से अच्छे से सुराख करें और जो है उसको इसी तरीके से यूज़ करें, क्योंकि एक ही स्टीमर के अंदर आप इतना सारे मोमोज नहीं बना सकते, तो मेरे तरीके से आप भी शॉर्टकट करें। ज़बरदस्त से हमारे मोमोज रेडी हो चुके थे, चिकन डम्पलिंग या डिमसम बोलें। देखने में थोड़ा सा आपको लगता है कि मुश्किल है लेकिन बिलीव मी बहुत टेस्टी और बहुत मज़े के बनते हैं। आप चाहें तो वेजीज के साथ भी इसको बना सकते हैं, मैं आपको आगे चल के वो भी सिखाऊंगी। मोमोज की ये चटनी तो आप बना के फ्रिज में रख लें क्योंकि ये बहुत बहुत आपको पसंद आने वाली है। और जो दूसरी वाली चटनी है वो हमारा बारबेक्यू सॉस था जो रेडीमेड था, और पहले भी मैं आपको एक दफ़ा सिखा चुकी हूँ, ज़रूर ट्राई करें, अपना फीडबैक दें। चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर अगली एक रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।